हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चमचम। चमचम एक बंगाली मिठाई है, तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए ये पनीर। मैंने 2 लीटर दूध से इसको पहले से पनीर बना के रखा है। मेरे पहले दिया हुआ वीडियो में आप पनीर का देख लीजिएगा वीडियो। और ये यह है, यहाँ पे 1 ग्लास चीनी चाहिए हमें, 1/4 कप मैंने चीनी रखा है कैरामलाइज करने के लिए। और थोड़ा सा हमें चाहिए केवड़ा एसेंस। और ये सारे जो है गार्निशिंग के लिए मैंने रखा है। ये खोया, मेरे खोया का रेसिपी भी पहले दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा। खोया को ग्रेटेड करके उसमें मैंने 1 टेबल चम्मच शुगर मिलाई और उसमें फिर थोड़ा सा काजू और पिस्ता और बादाम का ग्रेट करके छोटा छोटा पीसेस करके इसमें काट के और 1 चम्मच मैंने दूध लगा मिला के इसको मैंने एक खोया का थोड़ा सा डो जैसे बना के रखे फिलिंग के लिए। और यहाँ पे है गार्निश के लिए थोड़ा सा ग्रेटेड खोया, थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा पिस्ता ऐसे क्रश करके कटा हुआ है। और यहाँ पे किया ग्रेटेड थोड़ा सा पिस्ता है। और है यहाँ पे जो मलाई चमचम के लिए मलाई, ये मैंने 2 कप दूध में 4 टेबल चम्मच मैंने पाउडर मिल्क मिलाई और उसमें 2 टेबल चम्मच शुगर डाल के अच्छे से पहले से पका के लास्ट में शुगर डाल के और 1/4 टीस्पून मैंने छोटा इलायची पाउडर डाल के इसको मैंने खीर जैसे बना के रखे। अब पनीर को अच्छे से पाम के थ्रू बहुत अच्छे से इसको मैश करना है। मैश करके इसका हम शेप दे देंगे और सारे चमचम बना लेंगे। और मैंने पनीर को 1 घंटा पहले फाड़ के 1 घंटे के लिए इसको टांग के रख दिया था। अब देखिए मैंने पहले से बॉल्स ये बना के रखे हैं और ये मैंने सारे शेप्स इसका दे दिया है। तो कैसे कैसे मैंने ये शेप्स दिए हैं मैं एक एक करके दिखाती हूँ। पहले मैं ये चौकर वाला शेप दे रही हूँ। और हमें काफी मोटा रखना है, ज्यादा पतला हो जाएगा तो ये फिर फट जाएगा चाशनी में, जैसे पकते हुए फट जाएगा, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। और चमचम एक्चुअली बहुत कलर के भी होते हैं, बहुत शेप्स के होते हैं। तो मैं जो आज कैरामलाइज वाला दिखा रही हूँ ये एकदम ऑथेंटिक वे से बना रही हूँ। ये मैं अभी ये पत्ते वाला शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो बिना कैरामलाइज करके भी बना सकते हैं वाइट वाला चमचम। देखिए अच्छे खासे मोटा रखना है इसको, कोई ज़्यादा पतला नहीं हो जाना है। और ये वाला भी लंबा वाला शेप दे रही हूँ। और ये जो गोल वाला, कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका दिखाती हूँ चाशनी बना के। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और मैं 1 ग्लास चीनी पहले डाल दूंगी। इसमें मैं 3 ग्लास पानी डालूंगी। ये रसगुल्ले की तरह इतना स्पंजी नहीं होता है और ये थोड़ा सा इसका दानेदार होता है, इसका जो टेक्सचर होता है, तो इसीलिए हम इसमें 3 ग्लास ही पानी ऐड करेंगे। और पहले पानी में उबाल आ जाएंगे जब, तब हम सारे ये जो चमचम है सारे डाल देंगे। अब देखिए पानी में पूरा उबाल आ चुके हैं चाशनी में, तो मैं ये सारे जो है सब चमचम डाल दूंगी और फिर ढक के 10 मिनट तक तेज गैस पे पकाऊंगी। अब 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये। मैं अभी मीडियम गैस पे इसको 15 मिनट के लिए फिर आगे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब 15 मिनट ये ऑलरेडी पक चुके हैं, तो अब मैं इसमें कैरामेल करके चीनी को और इसमें डाल दूंगी। तो कैरामेल करने के लिए मैंने ये चीनी को रख दिया है कम गैस पे और ध्यान रखना है ऊंचा कर करके इसको कंटिन्यू घुमा घुमा के इसको पिघलाना है। बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, जल जाएगा तो बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट आ जाएगा, पूरा मिठाई पूरा खराब हो जाएगा। तो ध्यान रख के इसको कम गैस पे, थोड़ा सा हल्का गैस पे इसको कंटिन्यू हिला हिला के पकाना है। देखिए अब ये कैरामेल हो चुके हैं, तो इसको मैं ये जो चमचम है इसको थोड़ा मैंने साइड कर दिया है और इसी चमचम के साइड के जो चाशनी है इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी। और ये ऐड करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू इसमें पानी ऐड करते जाना है।
ये इसमें कंटिन्यू हम मीडियम गैस से थोड़ा कम गैस पे अभी पकाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में पानी ऐड करते जाएंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल कम नहीं हो जाना चाहिए, पकने के लिए इसको पूरा अच्छे से पानी, जैसे ज़्यादा ज़्यादा पानी नहीं डालना है, कंटिन्यू वही थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और ढक के इसको और 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच में कंटिन्यू जैसे ही कम इसका पानी हो जाएगा थोड़ा सा, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें इसमें ऐड करते जाना है। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ चुके हैं ऑलरेडी। कंटिन्यू फिर भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी कंटिन्यू ऐड करते जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। आपको ध्यान रखना है कि इसके पानी का जो परसेंटेज है बिल्कुल भी कम नहीं हो जाना चाहिए, ये कंटिन्यू रस में ही पकना चाहिए। आप देखिए ये 20 मिनट जो है हो चुके हैं और इसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है, एकदम से ये लाल हल्का सा हो गया है ब्राउनिश। और इसमें जो है मैंने इस ग्लास के कम पूरा भरा हुआ ग्लास, दो ग्लास और आधा ग्लास, ढाई ग्लास करीबन मैंने पानी इस 20 मिनट्स के बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाती गई और ढक के पकाती गई इसको। और अब इसको मैं गैस ऑफ कर दूंगी और ये सारे मैं निकाल लूंगी। गैस ऑफ करने से पहले इसमें सिर्फ 10 ड्रॉप्स वो केवड़ा का एसेंस मिला के हम गैस ऑफ कर देंगे। अब मैं इसको चाशनी में से निकाल के ठंडा होने दूंगी, फिर उसके बाद इसको गार्निश करके मैं दिखाती हूँ। अब देखिए चमचम बन के तैयार हो गया, मैंने सारे गार्निश भी कर दिए हैं। ये कितने अच्छे दिख रहे हैं देखिए, ये मैंने मलाई चमचम मलाई डाल के ऊपर में थोड़ा सा पिस्ता डाल के इसको गार्निश किया है। इसको मैंने खोए से, ये वाला जो सूखा चमचम है इसको मैंने खोए से गार्निश किया है, सिर्फ खोए से। इधर है जो स्टाफ चमचम, इसको मैंने चमचम को जो लंबा शेप वाला दिया था उसको बीच में से काट के उसके अंदर में वो खोया वाला जो फिलिंग बना के रखी थी वो इसके अंदर में स्टाफ किया है। और ये है सिर्फ मैंने पिस्ता का जो पाउडर बना के रखे थे, थोड़ा सा ग्रेटेड जो पिस्ता उसके साथ, और ये छोटा सा टुकड़े में काटा हुआ पिस्ता से इसको गार्निश किया है। आप घर में भी बैठ के अच्छे अच्छे मिठाई बना के अपने परिवार वाले को खिलाइए और सबको खुश रखिए, खुश करिए, और फिर दूसरे रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।